हेलो बच्चों, कुछ दिनों से आप लोग डिस्टर्ब होंगे, कोई लेक्चर नहीं मिल पाया आप लोगों को। एक्चुअली ऐप में बेटा बहुत सारे वीडियो पढ़ने के कारण ओवरलोड हो गया था और ऐप बस्ट हो गया था। इसलिए जो है आपको कुछ पिछले 3-4 दिनों से कोई लेक्चर नहीं मिला है, तो अब आगे से लेक्चर मिलता रहेगा। अब ये डिजिटल है बेटा, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी रहती है। हाँ, हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में आपने हमसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़ा था, कोरोचला पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा थे गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं। लेफ्ट में एनोड है, राइट में कैथोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एनोड टू कैथोड होता है वाया एक्सटर्नल सर्किट। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दो वर्टिकल लाइन होती हैं, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाते हैं, राइट में रिडक्शन रिएक्शन हम लोग दिखाते हैं। आधे सेलों के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, एनोड पे डेवलप होने वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे डेवलप होने वाला रिडक्शन पोटेंशियल। जब इन दोनों को कपल कर देते हैं और एक कंप्लीट सेल बनाते हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल की। ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपने निकाले हैं, तो इनके ऊपर हम नॉट लगा देते हैं, जो एक फिक्स वैल्यू होती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। आप लोगों ने हमसे पिछली क्लास में पढ़ा था, लास्ट पॉइंट आपने देखा था, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मैं कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेकर क्वेश्चन नहीं कराता हूं, क्योंकि बच्चों यहां पे गलती होती है माइनस और प्लस की। आपको मालूम होगा ये डेरिवेशन आया कहां से था। ये आया यहां से था कि भाई ईएमएफ ऑफ सेल बराबर क्या होगा, कैथोड पे डेवलप होने वाला रिडक्शन पोटेंशियल ले लो और एनोड पे डेवलप होने वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ले लो। इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो ये आएगा। अब चूंकि मैं एसओपी को लेके कभी क्वेश्चन नहीं करता हूं, तो अगर मेरे को इसे एसआरपी में बदलना है तो आगे क्या लगाओगे, माइनस, तो ये वाला फार्मूला आ गया। इस पर मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं कि अगर ये नॉट ना हो, नॉट ना होने का मतलब नॉर्मल ईएमएफ और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चीजें फिक्स नहीं होती हैं, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। तो कंसंट्रेशन पर ये कैसे डिपेंड करती हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग नस्ट इक्वेशन। तो हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन हमें बताता है अबाउट, साथ में लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है आधे सेल की चर्चा हो रही है, और ईएमएफ की बात है पूरे सेल की चर्चा हो रही है। तो आइए सबसे पहले हम आधे सेल पर देखते हैं, हाफ सेल। सुन ले बेटा, आधा सेल एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है। अगर आधा सेल एनोड है तो हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अगर आधा सेल कैथोड है तो हम बात करेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नष्ट इक्वेशन हम आधे सेल पे लगाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जब भी तुम आधे सेल पर नष्ट इक्वेशन लगाओगे, तुम आधे सेल को कैथोड की नजरों से देखोगे, कभी भी एनोड की नजरों से नहीं देखोगे। ओके, तो ओनली फॉर रिडक्शन हाफ सेल, दैट इज कैथोड। मतलब आधे सेल पर जब भी हम नष्ट इक्वेशन लगाते हैं
तो हम रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। सुनना बेटा, तो हमें जो आधा सेल लिखना है वो कैथोड की नजरों से लिखना है, रिडक्शन दिखाना है। माना कोई कैथोडिक रिएक्शन है, ये आप देख सकते हैं रिडक्शन हो रहा है, मैंने कैथोड बनाया है। बच्चों अगर ये वन मोलर हो तो नष्ट इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वन मोलर का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें सीधे मिलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। तो अगर यह वन मोलर है तो नष्ट इक्वेशन की जरूरत ही नहीं। हाँ, अगर ये कंसंट्रेशन नॉट वन मोलर तो हम स्टैंडर्ड स्टेट पर नहीं खड़े हैं, अब हम दूसरी कंडीशन पर आ गए हैं, यस, तो अब हमें नष्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आरटी अपॉन एनएफ एलएन क्यू। ये बच्चों आधे सेल की नष्ट इक्वेशन होती है टू कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, हमको ये रिएक्शन याद करनी पड़ती है। ठीक है, आप सुनना बेटा, ये लिख लिया होगा, मैं थोड़ा शिफ्ट करना चाहूंगा इसको ऊपर, बस इतने में काम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, अगर इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी। आर यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, टी भी कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, एन भी देखा जाए अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही होगी, एफ भी 96500 और क्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो जो चीज सारे इलेक्ट्रोडों के लिए कांस्टेंट है वो क्या क्या है, आर सारे इलेक्ट्रोडों के लिए कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर भी सारे इलेक्ट्रोडों के लिए कांस्टेंट होगा, और एफ भी सारे इलेक्ट्रोडों के लिए कांस्टेंट होगा। तो इसलिए अगर मैं आर की जगह पर 8.314 रख दूं, टेम्परेचर की जगह पर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर केल्विन में बदलोगे 298 केल्विन आएगा, एफ की वैल्यू होती है 96500। और आपको बच्चों मालूम है कि एलएन को अगर लॉग में बदले तो एलएन बराबर 2.303 लॉग। जब ये वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आधे सेल के लिए हमें एक नष्ट इक्वेशन प्राप्त होती है, रिडक्शन पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ये भी बेटा आपको याद होना चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अदर देन वन मोलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्यू बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशियंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशियंट। हम लोग रिडक्शन हाफ सेल पर नष्ट इक्वेशन लगा रहे हैं और रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे प्रोडक्ट साइड पर मेटल होगा, मेटल सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास वन होता है, उसे क्यू के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते। रिएक्टेंट साइड पर आयन होगा, आयन की कुछ कंसंट्रेशन होगी, वो आप यहां पर लिखेंगे। ओके बेटा, दूसरी बात आती है एन क्या होगा, वेरी सिंपल, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दैट रिडक्शन प्रोसेस। जैसे
Cu plus 2 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu, n की वैल्यू 2 आ गई। Al plus 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बराबर Al, n की वैल्यू 3 आ गई। तो n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दैट रिडक्शन। उस रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उसे हम लोग कहते हैं n। तो बहुत ही सिंपल है आधे सेल पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। ऑफ कोर्स रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों एक बात सुन लो, अगर मान लो आपसे वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो हम उसको नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। जो आंसर आए आप उसके साइन को पलटा देना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर? चले आइए आधे सेल पर ये जो नेक्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ी है इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे, 0.0591 को कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 0.06 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो काटने में आसानी रहती है। ओके आइए इसके ऊपर सवाल करते हैं। जैसे आइए मैं इसको हटाना चाहूंगा बेटा, हटा दे, चल ओके आप लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Cu plus 2 oblique Cu is 0.34 volt. Full stop. Calculate oxidation potential at pH equal to 40. ठीक है, और आपको ब्रैकेट में दिया है गिवन केएसपी ऑफ सीयू ओएच का होल ट्वाइस इज 10^-19। ये दिया। देखिए पहले सवाल को फील कर लेते हैं फिर करते हैं, सुनना मेरी बात। आपको ई नॉट दिया है उसको हटाइए, आपसे पूछा गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट पीएच इक्वल टू 40। बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे इस कॉपर इलेक्ट्रोड का और जो आंसर आए उसके साइन को पलटा देंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। अब सुनना, तो हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट इक्वेशन लगाया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड -0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अब मेरी बात सुनिएगा, एन की वैल्यू आप समझ गए होंगे, एन की वैल्यू 2 होगी, मैंने यहां लिखा नहीं क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड ये होगा। हम हमेशा बात करते हैं रिडक्शन हाफ सेल की, एन की वैल्यू इसलिए कितनी होगी 2। अब सुनो, ये वैल्यू आपको दी गई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.34। अच्छा भाई, माइनस ये 0.06 लिख दे रहे हैं, एन की वैल्यू 2 है लॉग। क्यू बराबर चाहिए प्रोडक्ट, सॉलिड होता है हमेशा, रिएक्टेंट में है सीयू प्लस 2। अब फील करो जरा, अगर मुझे Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन मिल जाए तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल का साइन पलटा देंगे तो मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। भाई सिंपल क्वेश्चन। अब सवाल यह है Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन कैसे निकालें? एग्जामिनर ने आपको 2 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, एक पीएच दिया है और एक आपको केएसपी दिया है। अब इन 2 की हेल्प से
आपको ये निकालना है, तो फील करो बेटा, सोचो कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो केएसपी होगा ये बराबर क्या होगा। आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन पावर 2, केएसपी आपको दिया गया है, ये आपको निकालना है नष्ट में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अगर अपन को ये मिल जाए तो अपना आंसर आ जाए, फिर मामला फंस गया। यही तो सवाल की खूबसूरती, फिर मामला फंस गया। अब OH आयन कैसे निकालें, तो फिर भैया हमने सोचा OH आयन कैसे निकालें, आपको पीएच दिया है 14, पीएच अगर 14 है तो पीओवे 0 होगा, 14 में से घटा दिया। पीओवे अगर 0 है तो OH आयन की कंसंट्रेशन होगा 10 की पावर माइनस पीओएच, किसी की पावर 0 का मतलब 1। इस OH आयन की कंसंट्रेशन को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी इतना मोलर, और इस कंसंट्रेशन को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माइनस 0.06/2 लॉग 1 अपॉन Cu+2 आ गया 10 की पावर माइनस 9। आप लोग देखेंगे बच्चों 2 से ये कैंसल हो गया 0.03, 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस 19, 19 बाहर आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 0.34 माइनस 19 57.57, ठीक है। अब 0.57 में 0.34 माइनस होगा तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 3 गया 2। बच्चों क्या ये आपका आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है, ये रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा था, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा प्लस का 0.23 वोल्ट, एंड दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, तो देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया था पीएच इक्वल टू 14 पर, आपने पहले रिडक्शन पोटेंशियल उसका निकाला, निकालने में समस्याएं आई, आपको कॉपर की कंसंट्रेशन नहीं मालूम थी, आपने केएसपी की हेल्प ली, फिर समस्या आई आपको OH आयन नहीं मालूम था, आपने पीएच का हेल्प लिया, यहां से OH आयन को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, कॉपर का कंसंट्रेशन आया उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, रिडक्शन पोटेंशियल आया, साइन पलटा दिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। अब एक बात और सुन लो फिर लिखना, तुमसे मैंने कहा था ना अभी अभी आधे घंटे पहले कि नष्ट इक्वेशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो। आप देख लीजिए कॉपर की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 19 है, 1 मोलर नहीं है बच्चों, इसीलिए हमें नष्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ा। आप जानते हैं बेटा अगर ये कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर आ जाती तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो जाता, क्योंकि यहां पे जैसे ही आप रखते 1 log 1 की वैल्यू 0, ये पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाता और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता। तो हमेशा ध्यान रखिए नष्ट इक्वेशन चाहे आधे सेल पे लगाएं चाहे पूरे सेल पे लगाएं, तभी लगाते हैं जब आयनों की कंसंट्रेशन और गैसों का प्रेशर 1 के अलावा हो। ओके, सवाल लिख लीजिए बच्चों, लिख लेंगे। मैंने आपको दो लेक्चर में कुछ क्वेश्चनों में टिक भी लगवाए थे, आपने लगा लियो उसको डाउट मुझे भेज दीजिए, वीडियो में इसका कल बना दूंगा। चलिए एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं
और ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई अगला क्वेश्चन है बेटा फ्रॉम एनसीईआरटी। सवाल है कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एट पीएच इज इक्वल टू 10। ठीक है, देखिए इस सवाल को मैं चुटकी में करा सकता हूं, नहीं इसके पहले मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाहूंगा। तुम लोग अभी तक इलेक्ट्रोड कैसे बनाते थे? मेटल लिया, उसके आयन में डाल दिया, इलेक्ट्रोड बन गया। जैसे जिंक मेटल को ZnSO4 में डाला, जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला, कॉपर का इलेक्ट्रोड बन गया। वैसे बच्चों हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो भी ऐसे बनाते हैं, हाइड्रोजन को पकड़ते हैं और उसके इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एसिड दैट इज H+ में डाल देते हैं। अब सवाल ये है हाइड्रोजन तो गैस होती है भाई, मेटल सॉलिड होता है, रॉड के फॉर्म में है, डाल दिया। लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है? वो तो बेटा होती है गैस, और गैस को एक जगह पर नहीं रख सकते, इसलिए हम हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लैटिनम का। बेटा किसका? प्लैटिनम का। तो मैं आपको बताने सबसे पहले ये जा रहा हूं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बनाते कैसे। देखिए सवाल दो कौड़ी का है, बाद में आराम से कर देंगे, पहले देखते हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कैसे बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास प्लैटिनम, प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम का यूज करते हैं टू सपोर्ट हाइड्रोजन, और इसके ऊपर हम लोग हाइड्रोजन गैस को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, उड़ जाएगी, एडजॉर्ब होने के बाद भी उड़ जाएगी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्लास वेसल से ढक देते हैं। एक ग्लास वेसल से ढक देते हैं और इसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप करना है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है H+ में डिप कर देते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड बनता है बच्चों इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा बोलो क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब सुनना बेटा, और यहां से हम लोग क्या पास कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, ये देखिए बेटा हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ये प्लैटिनम है, ये ग्लास वेसल है, ये ग्लास वेसल है, और ये आपका कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, आप HCl ले सकते हैं। ये बच्चों आपने बना दिया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अगर इस H+ को 1 मोलर ले लें और गैस का प्रेशर 1 atm ले लें, मतलब अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशन ले लेते हैं तो इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बोले तो SHE। क्लियर? और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब सुना बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जैसे लिया ये बन गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम लोग पोटेंशियल को कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू बच्चों याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 0 वोल्ट। आप लोगों ने कभी भी किसी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को याद नहीं किया, जरूरत नहीं होती है, वो एग्जामिनर आपको देता है। लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, चूंकि ये 0 होता है तो ये आपको याद होना चाहिए, और इसे कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और ऐसे बनाते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को।
ठीक है, तो पहले आप ये लिख लीजिएगा, पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? प्लेटिनम के ऊपर सपोर्ट कराते हैं और ग्लास वेसल से ढक देते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं और किसी एसिडिक मीडियम में डिप कर देते हैं। ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। अगर H+1 मोलर और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm हो तो ये स्टैंडर्ड स्टेट आपने ले ली है, तो इसी को कहने लगते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, एंड दिस वर्क लाइक ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, अब देखो बेटा, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH=2। अब देख लो, पहले फील करो कि क्या हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। पीएच अगर 10 है तो एच प्लस होगा 10^-10। 1 मोलर के अलावा कंसंट्रेशन आ रही है इलेक्ट्रोलाइट की, इसलिए आप नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। आइए नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप कैथोड बनाकर दिखाइए, रिडक्शन की इक्वेशन बनाकर दिखाइए, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन जब भी आधे सेल पर लगाते हैं, रिडक्शन हाफ सेल पर ही लगाते हैं। आप इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इक्वेशन H++ इलेक्ट्रॉन = ½ H2 वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर दोनों में अंतर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिएगा, देखिए अगर आपने ऐसी इक्वेशन लिखी तो नेक्स्ट इक्वेशन में n की जगह पे आएगा 2, और H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर करोगे। और अगर आपने ये इक्वेशन लिखी तो n की जगह पर आएगा 1 और H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर नहीं करोगे, तो दोनों से जो आंसर आएगा बच्चों सेम आएगा। ठीक है, चलो मान लो मैं ये लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, देख रहे बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.0591/n log Q। ठीक, ये आपको निकालना है। इसका वैल्यू बच्चों क्या होता है, 0 -0.0591/n log Q। सुनना, एक बात और सुन लीजिए, आज एक नई बात। हम लोग जब क्यू या केसी निकालते हैं तो आयनों की कंसंट्रेशन का रेशियो निकालते हैं। बिल्कुल सही है, अगर कोई गैस आ जाए तो हम उसके प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं इन एटमॉस्फेयर, राइट? क्योंकि इस गैस का प्रेशर ऊपर रखेंगे और एच प्लस की कंसंट्रेशन को नीचे रखेंगे। क्योंकि गैस का प्रेशर नहीं दिया गया है तो 1 atm मान लेते हैं, नीचे आ गया एच प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं चाहूं तो सीधे आंसर निकाल सकता हूं। यहां से H+ आ जाएगा 10^-10, यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, सीधे आपका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन मैं आंसर निकालने से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और पीएच के रिलेशन में। ठीक है, तो मैं एक रिलेशन प्रूफ करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पर इसकी वैल्यू नहीं रख रहा हूं। ओके, आप रखकर सीधे आंसर निकाल सकते हो, मैं रिलेशन प्रूफ कर रहा हूं। क्या सुना बेटा? आप कहे तो मैं ये रब कर दूं बेटा। ठीक है, ये रब कर रहा हूं भाई। देख रहा बेटा, बराबर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, एन की वैल्यू 2 आएगी, आप ऊपर वाली लेके चल रहे हैं, एच प्लस के स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो H+ की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इस 2 को बाहर ले आऊं तो अंदर बचेगा log H इनवर्स, और मेरे बच्चे जानते हैं log H इनवर्स को हम pH कहते हैं। आइए, आप हो सकता है भूल गए हो, आप भूलते बहुत जल्दी हैं। pH बराबर होता है माइनस का log H प्लस, ये रटा होगा आपको। अगर इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊं तो ये H+ की पावर में चला जाएगा ना,
मतलब आप इस वैल्यू को तो पीएच बोलते ही हैं, आप इसको भी पीएच बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? तो मुझे ये लाना था, इसलिए मैं इसको ऊपर लाया, और अब मैं सिर्फ दो को बाहर लेकर आ रहा हूं, सिर्फ दो को, क्योंकि दो को जब बाहर लाओगे तो अंदर बचेगा लॉग एच इनवर्स, जिसकी जगह पर मैं पीएच लिख दूंगा। दो को बाहर लाए तो दो से दो कट जाएगा, -0.0591, और लॉग एच इनवर्स की जगह पर आ जाएगा पीएच। ये देखिए बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसके पीएच में एक रिलेशन डेवलप हो गया। क्लियर? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बराबर माइनस का 0.0591 इंटू पीएच। अगर आपको ये रिलेशन याद होता तो सीधे पीएच को यहां पे रख देते, सीधे आपका आंसर आ जाता। लेकिन बच्चों, मुझे इसको याद कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने छात्रों से कहना चाहूंगा, आप नेक्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन सीखें। कैसे हमने हाइड्रोजन का रिडक्शन हाफ सेल का इक्वेशन लिखा, नेक्स्ट इक्वेशन को मैंने अप्लाई किया, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। ठीक है, अगर याद करने के इच्छुक हैं तो ये याद कर सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और पीएच में क्या रिलेशन होता है। ओके बेटा, तो आप इसको लिख लेंगे। अच्छा, तो आज हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है कि आधे सेल पर हम नेस्ट इक्वेशन कैसे लगाते हैं। आधा सेल हमेशा रिडक्शन हाफ सेल होना चाहिए, कैथोड की तरह काम करना चाहिए, हम रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लें। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जाए तो आप उसके साइन को चेंज कर दें। ओके, चलिए अब हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट सेल के ऊपर नेस्ट इक्वेशन देखने। मैं इसको हटाना चाहूंगा, ठीक है? आए, अब दूसरा पॉइंट हम लोग का है कंप्लीट सेल। देखो बच्चों, कंप्लीट सेल के लिए मैं एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। मान लीजिए ये मैंने आपको कोई कंप्लीट रिएक्शन लिख कर दी। ठीक है, अब देखो बेटा कंप्लीट क्यों है, क्योंकि आप देखिए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब जिंक का बच्चों आपने क्या बनाया है, एनोड, और सिल्वर का क्या बनाया है, कैथोड। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड है। रिप्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हैं, दो वर्टिकल लाइन, लेफ्ट में दिखाएंगे ऑक्सीडेशन, राइट में दिखाएंगे रिडक्शन। आप करने को इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और यहां पे बच्चों रिडक्शन होगा। अब फिर से मैं वही बात अपने छात्रों को बताना चाहूंगा, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई तभी होगी जब आयनों की कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर हो। तो ना ये होगा 1 मोलर और ना ये होगा 1 मोलर, तभी नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई होती है। अब देखिए कंप्लीट सेल की नेक्स्ट इक्वेशन बिल्कुल वही है, फोटोकॉपी है, जो आधे सेल की है। बस रिडक्शन पोटेंशियल की जगह पर ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जगह पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ईएमएफ ऑफ सेल बराबर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ माइनस आरटी अपॉन एनएफ एलएन क्यू, वो भी लिख सकते हो, और 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, बच्चों ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जिसको आधा सेल समझ में आ जाता है उसको पूरा सेल भी समझ में आ जाता है। क्यों फिर वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, राइट? आप देखिए ई नॉट ऑफ सेल निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। इसको आप निकाल चुके हैं, दो तीन सवाल मैंने कराए थे इसके ऊपर, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके डील करूं तो एसआरपी ऑफ कैथोड, कैथोड बनाया है आपने सिल्वर का,
मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आपको रखना है सिल्वर का, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको रखना है जिंक का, क्योंकि वो एनोड है। पहली चीज हो गई ये। बात करते बच्चों एन क्या होगा, अब सुनना ये इंपॉर्टेंट सुनना बेटा मेरी बात। देखिए होता क्या है, अभी आधे सेल में एन का मतलब था, आधे सेल में एन का मतलब था कि उस रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, वेरी सिंपल, देखते समझ में आ जाता है। Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन बराबर Cu n बराबर दो, Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन बराबर Mg n बराबर दो। कंप्लीट सेल में n का मतलब बच्चों होता है नंबर ऑफ कैंसल्ड इलेक्ट्रॉन। सुनना बेटा, वही इलेक्ट्रॉन आपको याद है जब हम लोग इक्वेशन लिखते थे रिप्रेजेंटेशन को देखकर, तो ऑक्सीडेशन कराते थे जिंक माइनस टू इलेक्ट्रॉन बराबर जिंक प्लस टू, फिर रिडक्शन कराते थे एजी प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बराबर एजी, लेकिन जोड़ने से पहले हम इलेक्ट्रॉनों को कैंसल करते थे, तो नीचे वाली में दो से मल्टीप्लाई करेंगे तब दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसल होंगे, वही होता है एन। अब बच्चों मेरी बात सुनना, इस एन को आप ऐसे अगर निकालोगे तो आपका बहुत समय बर्बाद हो गया। एनोड रिएक्शन लिखो, कैथोड की लिखो, फिर साला टीम जाम करो, बहुत समय चला गया। तो मेरा कहना है आप इसकी जगह एक पोरवाल ट्रिक लगाया करिए, एन बराबर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में जो टोटल चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, उसे हम लोग कहते हैं एन। और मेरे स्टूडेंट जिन्होंने हमसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा, उन्हें मालूम होगा कि टोटल चेंज कैसे निकालते हैं। सिंपल चेंज मल्टीप्लाइड बाई आईसी मल्टीप्लाइड बाई ओसी। आईसी का मतलब होता है बच्चों इनर कोफिशिएंट जो नीचे लिखा होता है, और ओसी का मतलब होता है आउटर कोफिशिएंट जो ऊपर लिखा होता है। मैंने जो एग्जांपल लिया है कंप्लीट सेल का, अगर मैं उसके लिए एन की वैल्यू निकालूं, तो आप देखिए चाहे जिंक से निकालो चाहे सिल्वर से निकालो आंसर सेम आएगा, जीरो से प्लस टू, सिंपल चेंज दो का, आईसी भी वन ओसी भी वन, तो एन की वैल्यू दो ही आई है। सिल्वर से निकालिए प्लस वन से जीरो, सिंपल चेंज एक का आया, आईसी वन है ओसी दो है, तो टोटल चेंज आएगा दो का। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपकी एन की वैल्यू कितनी आ गई, दो। जो मैंने एग्जांपल लिया है उसके लिए एन की वैल्यू कितनी आ गई, दो। ओके, और क्यों, तो बच्चों आपको मालूम ही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये होता है नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल, लिख लीजिए। ध्यान रखिए जब भी कंप्लीट सेल पर आप नेस्ट इक्वेशन लगाते हैं, आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पहले निकालना पड़ता है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड से। आपको एन की वैल्यू निकालने के लिए बैलेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और क्यू निकालने के लिए भी आपको बैलेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर आपको यह समझ में आया है तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर हम लोग प्यारा सा सवाल है करते हैं, हटाना चाहेंगे बेटा इसको, ठीक है, हटाओ, देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल आपको दिया है मैंने, कंसंट्रेशन है
0.1 मोलर, इसका आपको पोटेंशियल निकालना है एंड गिवन है ई नॉट सी आर प्लस 3 अपॉन सी आर बराबर माइनस का 0.72 वोल्ट एंड ई नॉट एफ ई प्लस 2 अपॉन एफ ई बराबर माइनस का 0.42 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए आप सब लोग इस सवाल को देखते ही समझ गए होंगे कि हमें नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना है फॉर कंप्लीट सेल। कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर है, नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने नेस्ट इक्वेशन लिख दी, अब देख रहे सब लोग आपको मालूम है इस नेस्ट इक्वेशन में हमको तीन चीजों को निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले आप तीन चीजें निकालिए। पहली चीज आप निकालेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड बनाया है आपने आयरन का, उसका एसआरपी। एनोड बनाया है क्रोमियम का, उसका एसआरपी। Fe प्लस 2 अपॉन Fe आपको दिया गया है और Cr प्लस 3 अपॉन Cr भी आपको दिया गया है। कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में से जब माइनस करेंगे तो प्लस का 0.30 वोल्ट। एक काम हो गया। दूसरा काम है बच्चों N और Q की वैल्यू निकालना। मेरी बात सभी लोग देखेंगे, सब लोग जरा मेरी बात सुनना। देखो बेटा ध्यान दें सब लोग, इसके लिए n की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ठीक, अब रिएक्शन दी होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते, q भी आ जाता। ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है। अब मजबूरी है कि हमको कंसेप्चुअली काम करना पड़ेगा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, दो मिनट रुक जाइए, कंसेप्चुअली पहले काम करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe प्लस 2 का रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैंसल नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसल करना होता है। पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई 2 का होगा, दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई 3 का होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या आ गई, 2Cr प्लस थ्राइस Fe प्लस 2 बराबर 2Cr प्लस 3 प्लस थ्राइस। ये देखिए बच्चों आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। और जब इस प्रकार से रिएक्शन को करते हैं तो n की वैल्यू भी पूरी क्लास को समझ में आ गया होगा कि n की वैल्यू आ गई 6। एक काम आपने कर लिया जो काम बहुत पुराना है करते आ रहे हो। n की वैल्यू के लिए कंप्लीट सेल में हमें बैलेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है बच्चों, और रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन दिया गया था इसलिए थोड़ा सा काम बढ़ गया। आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करके, राइट बेटा। अब मेरे को क्यों निकालना है, मजबूरी है, मेरे को जगह चाहिए होगी, थोड़ा इसको ऊपर करने हैं। क्यों निकालना है, क्यों कैसे निकलेगा, जब बैलेंस रिएक्शन आ गई तो क्यों तो कोई भी निकाल लेगा, यह हमारे लिए बेकार होते हैं क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। सीआर प्लस 3 की कंसंट्रेशन की पावर 2, Cr प्लस 3 है 10 की पावर माइनस 1, कंसंट्रेशन की पावर 2। Fe की कंसंट्रेशन की पावर 3, 10 की पावर माइनस 2 है, ऊपर आया 10 की पावर माइनस 2, नीचे आया 10 की पावर माइनस 6,
तो Q की वैल्यू आ गई 10 की पावर 4। तो पहला काम आपने E नॉट सेल निकाल लिया, दूसरा काम बैलेंस रिएक्शन से N निकाल लिया, और तीसरा काम बैलेंस रिएक्शन से आपने Q निकाल लिया। इन तीनों चीजों को उठा के रख दीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपका आंसर गलत नहीं कर सकती। E नॉट ऑफ सेल आ गया है 0.3 माइनस, इसको मैं 0.06 मान ले रहा हूं, N की वैल्यू 6 है, log Q की वैल्यू है 10 की पावर 4। सॉल्व कर लीजिए। फोर बाहर आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 0.26 वोल्ट आएगा ईएमएफ ऑफ सेल। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, नष्ट इक्वेशन देखिए दो लाइन में आंसर आ गया। कंप्लीट सेल की नष्ट इक्वेशन बहुत आसान होती है अगर हमारे स्टूडेंट ये तीन चीजें निकालना जानते हैं तो। E नॉट ऑफ सेल तो आपके खून में चला गया होगा, रही बात N और Q के लिए हमें बैलेंस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अगर बैलेंस रिएक्शन दी जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर N आ जाता है और बैलेंस रिएक्शन को देखकर Q आ जाता है। प्रॉब्लम होती है जब रिप्रेजेंटेशन दिया होता है, तो जिन बच्चों ने कंसेप्चुअल पढ़ा है उन्हें मालूम होगा, यहां से दिखाएंगे ऑक्सीडेशन, यहां से दिखाएंगे रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसल नहीं हो रहे हैं तो कैंसल करने का प्रयास करेंगे और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोल देते हैं एन। क्लियर? ओके। और क्यू आप निकालना जानते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं कंप्लीट सेल का ईएमएफ एट कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर। गॉट इट? इस प्रकार से हम लोगों ने खत्म किया अपना कंप्लीट सेल के ऊपर। ठीक है, चल राइट बेटा, आगे बढ़े। अच्छा, मैंने बोला था ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बताना भूल ही गया मैं आप लोगों को। ट्रिक देखिए, कम रिएक्शन लिखकर आ जाए तो कोई समस्या ही नहीं है, ना एन निकालने में ना क्यू निकालने में। रिप्रेजेंटेशन जब दिया जाता है तो ये कंसेप्चुअल तरीका है, थोड़ा समय लग गया। आइए मैं आपके समय को बचाता हूं एक झटके में। देखना देखना बच्चों, एक झटके में समय बचेगा। अगर दोनों तरफ जो मेटल लिखे हैं अगर उनके चार्ज बराबर ना हो तो सबसे पहले चार्जों को क्रिस क्रॉस कर दो, ये दो भेज दो यहां और ये तीन भेज दो यहां। कर दिया, चार्ज बराबर हो गए। और जब चार्ज बराबर हो गए उसके बाद लगाइए पुरवाल ट्रिक, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 रिएक्टेंट होते हैं, 2 2 प्रोडक्ट होते हैं। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया 2Cr प्लस थ्राइस Fe प्लस 2 बराबर 2Cr प्लस 3 प्लस थ्राइस Fe। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। और जब बैलेंस रिएक्शन आ जाती है तो N निकालना भी चुटकी का खेल है और Q निकालना भी बाएं हाथ का खेल। तो ये ट्रिक होती है, अगर चार्ज सेम नहीं है तो चार्जों को क्रिस क्रॉस कर दो और उसके बाद लगाइए 1 2 1 2 1 1 रिएक्टेंट होते हैं, 2 2 प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, चल इसके बाद हम लोग एक स्टेप बच्चों आगे बढ़ेंगे। ये हो गया है, आगे बढ़े बेटा, आइए हटाते हैं इसको। जब हम लोग कंप्लीट सेल के लिए इस चीज को पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट सेल में एक नोट डालेंगे, एक नोट। क्या नोट है बच्चों? अगर हम लोग बात करें एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जब हम लोग आते हैं तो ईएमएफ ऑफ सेल बिकम जीरो। EMF of cell become zero का मतलब सेल stops working, और कोई चीज काम करना तब बंद करेगी जब वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं when EMF of cell become zero implies cell stops working
implies it completely discharge. तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल बच्चों जीरो हो जाता है। और दूसरी बात तो आपको बहुत पहले से मालूम है कि इक्विलिब्रियम पर Q की वैल्यू KC के बराबर हो जाती है। ठीक है, सुनना। यूजिंग नस्ट इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ सेल बराबर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। इक्विलिब्रियम पर ये आपने जीरो कर दिया, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ये सेल की प्रॉपर्टी होती है, कभी जीरो नहीं हो सकता, अपॉन एन क्यू की जगह आपने रख दिया केसी। देखो बेटा इसको इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सामने देखे सब लोग, 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी बराबर ई नॉट सेल। ठीक, मैं एक ही लाइन में करूंगा, एन को उधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, तो एन आ जाएगा ऊपर, यहां से हटके एन कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर से हटके कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, तो लॉग केसी बराबर ये आ गया। लॉग का बेस होता है 10, तो अगर केसी निकालना चाहें हम तो जो कुछ भी ये माल पानी दिखाई पड़ रहा है ये केसी की पावर में चला जाएगा। ओके, ये देखिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर पहुंच गए। ये बच्चों, मैं इसको याद करने के लिए कभी नहीं कहता हूं, मैं अपने स्टूडेंट से इसको याद करने के लिए कहता हूं। ओके, ये कोई बच्चा याद ना करे, बिल्कुल भी नहीं, करके तो इसलिए दिखाते हैं कि कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो दन से यहां रखना जीरो, यहां रखना केसी, और तुम्हें मुश्किल से बच्चों 10 सेकंड लगेंगे यहां से यहां पर पहुंचने में। इसलिए प्लीज बेटा इसको बिल्कुल भी याद मत करना। ठीक है, आइए आइए इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल कराता हूं। चल रहा है बेटा, वीडियो खराब हो चुका है क्लास वाला, दोबारा बनाना पड़ रहा है सब, है ना। देखो आवाज आवाज सर ठीक है। ओके, तो इक्विलिब्रियम पर आप लोगों ने ये पढ़ा, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो जाता है, सेल ने काम करना बंद कर दिया, सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, क्यू की जगह आपने केसी रख दिया। बेटा अंकित, अंकित ठीक है, आइए इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों वैसे ही पढ़ना। ठीक है, हटा दो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए इस चीज को बिल्कुल याद मत करिए, बार बार कह रहा हूं, अभी आपको ये याद हो भी जाएगा, सवाल लगाओगे आपको लगेगा जल्दी निकल रहा है, लेकिन बेटे एक महीने बाद आप इसको भूल जाओ, तो इसको आप इस्तेमाल मत करना, आप सीधे ये ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूट करिएगा, धन्य से आंसर आएगा। जैसे एक क्वेश्चन बच्चों इसके ऊपर है, फॉर ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू इलेक्ट्रॉन, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.295 वोल्ट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। देखिए एग्जामिनर ने बहुत आपकी हेल्प कर दी है, सीधे उसने आपको एन की वैल्यू दे दी,
आपको ई नॉट ऑफ सेल भी कुछ भी करने ही नहीं है मेरे भाई, सीधे वो फार्मूला लगाना है। चूंकि अभी अभी मैंने ड्राइव किया है तो मैं दोबारा ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, इसमें सीधे फार्मूला लगा दे रहा हूँ। आप एग्जाम में ऐसे मत करिएगा, 10 की पावर n ई नॉट अपॉन 0.0591। ओके बेटा, आप अगर देखें तो शायद 10 आएगा, अब मुझे नहीं मालूम है कितना आएगा, 2 × 0.295 / 0.059। हाँ 10 ही आएगा, याद ही था इसका मतलब। ओके, तो केसी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 10। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हमारे स्टूडेंट ने हमसे यह भी देखा, कंप्लीट सेल के लिए एक नोट हमने पढ़ाया कि इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो जाता है और क्यू की जगह पर हम केसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है बेटा, चल आफ्टर ऑल दिस नेक्स्ट इक्वेशन खत्म होता है फिलहाल। ओके, अच्छे से इसको नोट्स बनाइएगा और एक दो बार लिख लिख कर आप इसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग गैल्वेनिक सेल में एक अगली हेडिंग की तरफ जा रहे हैं और अगली हेडिंग का नाम है बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, आइए इसके बारे में एक दो बातें करते हैं। सबसे पहली बात बेटा बताना चाहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, सबसे पहली बात आप लिखेंगे डिक्रीज इन, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम। ओके, तो व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू में जितनी ज्यादा कमी आती है हम उस सिस्टम से उतना ज्यादा काम ले सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि गिब्स फ्री एनर्जी का घटना हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम इसको एक रफली कैसे समझाने का प्रयास करेंगे, रफली समझिएगा। मान लो एक सेल था, समझाने की से बोल रहे, शुरुआत में टी बराबर जीरो पर उसका डेल्टा जी जो था वो 1000 किलो जूल था। ठीक, 10 मिनट या आधे घंटे बाद मान लेते हैं उसका डेल्टा जी बचा 200 किलो जूल, तो डेल्टा जी में कितने की कमी आई, 800 किलो जूल। तो 800 किलो जूल वर्क हम इस सिस्टम से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब डिक्रीज जितना ज्यादा होगा हम सिस्टम से उतना ज्यादा वर्क ले सकते हैं। मान लीजिए पहले था 1000 किलो जूल डेल्टा जी का वैल्यू और 10 मिनट बाद डेल्टा जी बचा 400, तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 600 का। तो हम 600 किलो जूल वर्क इस सिस्टम से प्राप्त कर सकते हैं। कहने का बच्चों मतलब ये हो रहा है कि डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमारे लिए बेनिफिशियल है, जितनी ज्यादा कमी आएगी उतना ज्यादा वर्क हम सिस्टम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, माइनस का डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स। माइनस मतलब डिक्रीजमेंट, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क हम सिस्टम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको जान के खुशी होगी बच्चों, ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया था कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स। ओके बेटा, सुना बेटा,
अच्छा आप जरा मेरी बात सुनिए बेटे, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक वर्क, फिजिक्स में पढ़ा होगा मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, बहुत प्रकार के वर्क पढ़ाए जाते हैं। जब करंट की हेल्प से, चार्ज की हेल्प से वर्क हो रहा है तो इसे इलेक्ट्रिक वर्क कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक वर्क डब्ल्यू बराबर आपने पढ़ा होगा क्यू इंटू वी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्यू का मतलब है चार्ज और वी का मतलब है पोटेंशियल। अब सुनना, हम लोगों की गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, एनोड से एन मोल इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड पर जाते हैं। बच्चों एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है एक फेराडे, एफ, कैपिटल एफ, जिसकी वैल्यू होती है 96500, अभी पढ़ाया था। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर एक फेराडे है तो एन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा एन फेराडे। तो अपन ने क्यू की जगह पे क्या लिख दिया, एन एफ। और कंप्लीट सेल के पोटेंशियल को हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई एन एफ ई सेल। तो अगर इस डब्ल्यू की वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट बच्चों कर दूं तो आप बताइए डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा जी बराबर आ जाएगा माइनस का एन एफ ई सेल। डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल। बच्चों एग्जाम में आप ये सब नहीं करोगे, आपको ये याद होना चाहिए। ध्यान रखिए कंप्लीट सेल की चर्चा हो रही है, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ कैंसल्ड इलेक्ट्रॉन, या पोरवाल सर्किट ट्रिक लगा सकते हैं, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एफ का मतलब होता है 96500, ई का मतलब होता है वोल्टेज जिसकी यूनिट होगी वी। अगर ये आप वोल्ट में रखते हैं तो ये आपका जूल में आएगा, अगर ये वोल्ट है तो ये बच्चों क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, अब सुना बोले मेरी बात, अगर आपने यहां पे नॉर्मल ईएमएफ ऑफ सेल रखा जो निकाला जाता है एट कंसंट्रेशन अदर देन वन मोलर, तो ये बच्चों नॉर्मल डेल्टा जी आएगा, राइट। अगर मैं यहां पर ई नॉट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, यहां नॉट लगाओगे तो वहां नॉट आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। ओके बेटा, तो दोनों सेम है, ये नॉर्मल कंडीशंस पर है और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। ये कंडीशन पर है व्हेन कंसंट्रेशन इज अदर देन वन मोलर, और ये कंडीशन है व्हेन कंसंट्रेशन इज वन मोलर। तो बेटा ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दो पॉइंट क्लियर हो गए हैं। डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क That can be obtained from the system. दूसरा चीज मैं ये सब नहीं बताऊंगा, आप सीधे याद होना चाहिए डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल, या डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। ओके, अब हम लोग एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गए, तीसरे पॉइंट की तरफ बच्चों जा रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया था डिक्रीज वाला, और एक पॉइंट बेटा ये हो गया था। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला, जो सीधे आपको याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे केसी ले लो चाहे केपी ले लो। तो आपको डायरेक्ट बच्चों याद होना चाहिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के सी या के पी,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2020 इसी साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिए डेल्टा जी नॉट होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम पर, सामने देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो जाएगा ना, तो अगर ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो गया तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में अगर रिलेशन आ रहा है तो सीधी सी बात है यहां डेल्टा जी नॉट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब है ईएमएफ ऑफ सेल जीरो, इसलिए इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी भी होगा जीरो। इक्विलिब्रियम पर ई नॉट ऑफ सेल जीरो नहीं होता, इसलिए इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी नॉट भी जीरो नहीं होता। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन आपसे पूछा जाएगा तो सीधी सी बात है यहां डेल्टा जी नहीं, डेल्टा जी नॉट आएगा। ओके बच्चों, बाबड़ा क्लियर हो गई है। चलिए आइए इसके ऊपर एक सवाल हम आपको देते हैं, वो सवाल आप लोग करके लाइएगा, एचडब्ल्यू है, और मुझको भेजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं सवाल देखूंगा। ठीक है, इस प्रकार से डेल्टा जी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए देखते हैं। हटा दे बच्चों इसको, एक क्वेश्चन है, एचडब्ल्यू है बेटा, और ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन में केमिकल इक्विलिब्रियम को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जोड़ा गया। मेरे भाई तुम रिलेशन पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दो चैप्टरों का रिलेशन है, तो सवाल में भी दो चैप्टरों के कॉन्सेप्ट लगेंगे। ओके आइए एक सवाल करते हैं, एक सवाल करेंगे एट 60 डिग्री सेल्सियस N2O4 इज 50% डिसोसिएटेड, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट दिस टेम्परेचर एंड 1 atmospheric प्रेशर। ओके ये बच्चों एसडब्ल्यू है, आपको करके लाना है। मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, इसमें हिंट दे रहा हूं आपको कि N2O4 जब आप गर्म करेंगे तो इसके और इसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। अब आप देख रहे हैं कि परसेंटेज डिसोसिएशन दिया गया, और परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब ही है कि क्वेश्चन टी बराबर जीरो से ही चालू होगा, और टी बराबर जीरो से चालू होने के लिए हमें इनिशियल अमाउंट की जरूरत होती है। पूरे सवाल को तुम 20 बार पढ़ लो, कहीं पर भी इनिशियल अमाउंट नहीं दिया गया। याद करिए जब इनिशियल अमाउंट नहीं दिया जाता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं 1 mole। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक। अब सुनना, हल्का सा फिर बता देते हैं। इससे आप अल्फा को माइनस करके इक्विलिब्रियम पर मोल निकाल लेंगे, उन मोल से हम उनका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर दिया गया है, पार्शियल प्रेशर के रेशियो से हम केपी निकाल लेंगे, और केपी को उस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल लेंगे डेल्टा जी नॉट। ओके बेटा, तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और इसको आराम से करिएगा, हमको भेजिएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात बेटा, देखो बेटा वहां पे कोई सीट रखी है, देखो बच्चों को एसडब्ल्यू दे दे, नीचे नीचे उठाओ उठाओ, एक है कि दो है, दिखाओ पहले, नहीं दोनों बेकार है, वही और नहीं सीट,
दौड़ते हुए जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीट लेकर दौड़ते हुए जाओ, बिल्कुल ऐसी सीट होगी बेटा, ठीक है। चलिए अब चूंकि बेटा जब तक सीट आ रही है तो अब चलिए अब इस्तेमाल मैं ही कर देता हूं, आप लोग करोगे। अब ऑनलाइन वाले बोल भी नहीं पाते कि सर जी हम लोग करके लाएंगे, अब क्या करें भैया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन एक्चुअली मैं देना चाहता था आपको आज जो पढ़ाया है उसके ऊपर। छोड़िए ट्राई करिए, चलिए ट्राई करिए, यहीं पर बैठ के ट्राई करिए। ट्राई करिए, चलिए घर से करके लाइएगा। चलिए ऐसा करते हैं जब तक तो वो सीट लेके आ रहा है इसको एसडब्ल्यू रखिए, सब तो बता ही दिया मैंने यार, सीधा आपको सॉल्व करना है बस, ठीक है। चलिए जब तक वो आ रहा है तब तक मैं टाइम ना बर्बाद करूं आप लोगों का। गैल्वेनिक से बच्चों खत्म हो गया, अब बच्चों हम लोग को पढ़ना है बैटरी। जब तक वो लेके आ रहा है तब तक कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, बैटरी पढ़ लेते हैं। ले आए, अरे भाई लाओ भाई ले आए हैं। चलिए बैटरी को फिर अगली क्लास की रखते हैं। आइए बेटा आज की कॉन्सेप्ट पर सवाल क्या क्या है आइए देखते हैं। अच्छा बच्चों एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट और रुक जाओ, एसडब्ल्यू देखने से पहले चलो कल कर बता देंगे, हटाओ सवाल लगाते हैं, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 61, 32, 32, 58, 63 अभी मत लगाइएगा, 68, 73, 74, 76। भाई अच्छा खासा काम हो गया है। 77 and 89 and 91। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12 और 3, 15। ये आपका एसडब्ल्यू है और इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। बैटरी पढ़ाने से पहले मैं आपको दो बातें बताऊंगा कल। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूल सेल के बारे में पढ़ाऊंगा और कल मैं आपको बताऊंगा फॉर स्पॉन्टेनिटी, और इसके बाद कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बैटरी, और कल ही आपका चालू हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट बेटा। तो कल हम लोग ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसका थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा थैंक यू, ये क्वेश्चन करके लाइए और मुझे डाउट भेजिए।